So, दोस्तों अगर बात की जाए जेपी दत्ता साहब की तो उनकी हर पिक्चर सुपर डुपर हिट होती है। अगर बात की जाए 1985 की तो 1985 में जब वह आए थे उस समय उन्होंने एक बहुत ही मशहूर पिक्चर की थी जिसका नाम था गुलामी। गुलामी को ऐसी बुलंदियां मिली कि उसके बाद जेपी दत्ता साहब का नाम इंडस्ट्री में बोलने लगा। उनकी टूटी जो है अभी तक इंडस्ट्री में बोलती है। बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं करते पर जितनी पिक्चरें करते हैं सुपर डुपर हिट रहती है। अगर बात की जाए बॉर्डर पिक्चर की तो बॉर्डर पिक्चर के बाद भी उनका नाम था एक बार इंडस्ट्री में शाया रहा और बॉर्डर पिक्चर के कारण उनका बहुत से अवार्ड मिले। अगर बाप की फौज की बात की जाए तो बाप की फौज के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते हैं। जब भी उन्होंने फौज पर कोई पिक्चर बनानी होती है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको मदद करती है, इसलिए उनके सेट बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं और बहुत सी चीजें जो है फौज उनको प्रोवाइड भी करती है। हमेशा परमिशन लेकर उसी स्थान पर पिक्चर बनाते हैं जहां पर कोई ना कोई वार होती है। अगर बात की जाए पैटर्न की तो पैटर्न के लिए उन्होंने चाइना और इंडिया जी हाँ दोनों तरफ की परमिशन ली थी और उसी स्थान पर पिक्चर हुई। अगर बात की जाए पैटर्न पिक्चर की तो पैटर्न पिक्चर की जो स्टोरी है 1962 पर आधारित नहीं है। बहुत से चैनल आपको बता रही है कि उनकी पिक्चर जो है 1962 की वॉर पर आधारित है मगर ऐसा नहीं है। पैटर्न पिक्चर की स्टोरी 1966 और 1967 के बीच एक इंडिया चाइना के बीच में छोटी सी वॉर हुई थी और इस वॉर को ही दर्शाया गया है इस पिक्चर में। और खास बात यह रही कि ये वॉर इंडिया जीता था और एक पैटर्न ने करारा जवाब दिया था चाइनियों को। 1962 की लड़ाई के बाद जो है चाइनी जो है लगातार हैवी हो रहे थे और उसके बाद एक छोटी सी लड़ाई हुई जहां पर चाइनी जो है थम गए। इस थमने को अगर बात की जाए कैसे थमाया गया चाइना को वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस पिक्चर की इस पिक्चर में दिखाई गई है। So, दोस्तों अगर बात की जाए जेपी दत्ता साहब की तो उन्होंने बॉर्डर एलओसी कारगिल अमराव जान के बाद 11 साल तक उन्होंने कोई पिक्चर नहीं बनाई और अब जो पिक्चर लेके आ रहे हैं बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जैकी श्रॉफ है। अगर बात की जाए अर्जुन रामपाल की बहुत बेहतरीन कलाकार है। और अगर बात की जाए ट्रेलर की जैसा कि नाम है पिक्चर का पल्टन से ही साबित होता है कि पिक्चर जो बहुत धमाकेदार है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ट्रेलर रिएक्शन देखते हैं ट्रेलर कैसा लगा लोगों को। सो दोस्तों देखते हैं साथी वाओ दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चीजें दिखाई जा रही है। चीनी फौज बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है ट्रेलर की जैसे सच में कोई लड़ाई हो और उसी समय इसको कैच किया गया हो। इसी बात के लिए जाने जाते हैं जेपी दत्ता साहब और बहुत खूबसूरत ट्रेलर है। कैसे हिंदुस्तानियों को बदला लेने की भावना थी 1962 के वॉर के बाद खून जो था गर्म था और इसी का फायदा उठाते हुए जब 1966 और 1967 के बीच एक छोटी सी वॉर होती है चाइना की तो भारतीय फौजों ने अपना 1962 का वह बदला ले लिया और इसी के कारण इसी पे आधारित है ये पिक्चर। पिक्चर बहुत खूबसूरत लग रही है, पूरी रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर है। सो दोस्तों अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो बिल्कुल 1966 और 1967 के बीच जो इंडिया और चाइना में वॉर हुई थी बहुत इंटरेस्टिंग वॉर थी। बहुत एक पल्टन थी उस समय जिसने चाइनीज को रोका था। ये पल्टन गिनती में बहुत कम थी मगर इनके हौसले बहुत बुलंद थे। वह चाइना को एक कदम भी आगे नहीं आने दे रहे थे और जो 1962 में हिस्सा इंडिया से छीन लिया था उस हिस्से को वापस लिया गया था। इसमें पूरा ब्रेन यूज किया गया था, पूरी ताकत यूज की गई थी। दिखाया गया कि कैसे हमने चाइना से उसके घर में जाकर अपना हिस्सा वापस लिया और इस वॉर को जीता और 1962 की वॉर का बदला लिया। अगर बात की जाए जेपी दत्ता साहब की तो जेपी दत्ता साहब बहुत ही अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। जेपी दत्ता साहब की कमाल की बात यह है कि जब वह फिल्में बनाते हैं तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो शूटिंग है, उसकी जो लोकेशन है बिल्कुल ओरिजिनल डालते हैं। सो दोस्तों पल्टन जो है बहुत खूबसूरत पिक्चर होने वाली है। सो दोस्तों इंतजार रहेगा कब रिलीज होगी और मैंने तो भाई अपनी टिकट बुक कर ली है। अगर आपने नहीं की तो बुक माई शो में जाके अपनी टिकट बुक कर लीजिए।